डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि मिरर इमेज क्या होती है और इस मिरर इमेज को हम कैसे बना सकते हैं। माने किसी मॉलिक्यूल को अगर हम शीशे में, यानी मिरर माने शीशा, अगर शीशे में देखें तो वो कैसा दिखाई देगा। तो जो जैसा वो दिखता है वो उसकी मिरर इमेज कहलाती है। फिर हम देखेंगे आगे उसकी कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो यही सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मिरर इमेज के लिए सबसे पहले हमने जैसे कोई भी मॉलिक्यूल देखा, कोई भी हमने ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि मिरर कहाँ कहाँ पर हम एक तो रख सकते हैं और कहाँ पर रखने पर क्या क्या चेंजेस मॉलिक्यूल में हो रहे हैं। देखिए, जैसे ये एक मॉलिक्यूल था, अगर हम मॉलिक्यूल के साइड में एक मिरर रखते हैं, ये मैं यहाँ पर इसको मिरर की तरह शो किया, अगर हम साइड में रखते हैं तो क्या होता है कि जो टॉप और बॉटम, ये टॉप है और ये बॉटम है, सपोज हम इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो जब हम इसे मिरर में देखेंगे तो जो टॉप है वो टॉप पे ही दिखाई देगा, जो बॉटम है वो बॉटम पे ही दिखाई देगा, लेकिन जो चीज़ राइट में है वो लेफ्ट दिखाई देगी, जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा। कब? जब हम मॉलिक्यूल के साइड में मिरर रखते हैं। चाहे तो आप वो मिरर यहाँ रख लीजिए और चाहे वो मिरर इधर रख लीजिए, कैसे भी अगर आप रखेंगे तो मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज बनेगी, यानी जो शीशे में जैसा दिख रहा है, जो इमेज उसकी आ रही है, वो कैसी आएगी? OH तो अपनी जगह पे ही रहेगा, CH3 अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन H जो है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाएगा और Cl जो है वो इधर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी मिरर इमेज को बना सकते हैं। अच्छा, इसी के अगर हम यहाँ इस साइड पे रख देंगे, अगर हमने यहाँ पर मिरर रखा तब क्या चेंज होगा? तब भी वही सेम यही मिरर इमेज आएगी। OH अपनी जगह पे दिखाई देगा, CH3 अपनी जगह पे दिखाई देगा, बस H इधर आ जाएगा और Cl इधर पहुंच जाएगा। तो वही यहाँ पर भी दिख रहा है। तो साइड में मिरर रखने पर बस आप हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट जो है वो लेफ्ट हो जाता है। अच्छा, अब अगर हमने यही सेम मॉलिक्यूल लिया लेकिन इस मॉलिक्यूल के नीचे की साइड हमने मिरर रख दिया, या हम ये कहें कि ऊपर की साइड मिरर रख दिया, तब क्या चेंजेस होंगे? तो नीचे या ऊपर रखने पर हमेशा क्या होता है कि जो चीज ऊपर होती है वो हमेशा नीचे दिखती है और जो चीज नीचे होती है वो हमेशा ऊपर दिखती है। और जो राइट है वो राइट ही दिखेगा और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही दिखेगा। जैसे यहां पर अगर हमने नीचे मिरर रखा तो नीचे में क्या हुआ? OH हमारा टॉप पर दिखाई दे रहा था, तो शीशे में क्या होगा? OH जो है वो नीचे दिखाई देगा। CH3 यहां पर नीचे दिखाई दे रहा था मॉलिक्यूल में, तो उसकी मिरर इमेज में वो ऊपर की साइड दिखाई देगा। H राइट था तो राइट ही रहेगा, Cl लेफ्ट था तो लेफ्ट ही रहेगा। और अगर हम यहाँ ऊपर रख दें मिरर, तभी भी क्या होगा? तभी भी जो OH हमें टॉप पर दिखाई दे रहा था वो हमें बॉटम पर दिखाई देगा, और CH3 जो हमें दिख रहा था नीचे, यहाँ बॉटम पे दिख रहा था तो वहां टॉप पर दिखाई देगा। तो सेम यही वाली मिरर इमेज यहाँ पर भी आ सकती है। तो जब हम मिरर इमेज मिरर को, यानी शीशे को, अगर हम नीचे या ऊपर रख देंगे तो हमेशा टॉप बॉटम बन जाता है और बॉटम जो है टॉप बन जाता है, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल नीचे दिखाई देगा और ये मॉलिक्यूल हमारा ऊपर दिखाई, ये ग्रुप कह लो मॉलिक्यूल, तो क्या ग्रुप कह लो इसको, कि ये ग्रुप नीचे और ये वाला ग्रुप ऊपर। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉलिक्यूल के लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर मिरर रखने पर, यानी साइड पे मिरर रखने पर हमेशा लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट बन जाता है, और मॉलिक्यूल के टॉप या बॉटम पे रखने पर हमेशा टॉप बॉटम में और बॉटम टॉप में चेंज हो जाता है। तो ये तो था पूरा मिरर इमेज के बारे में। ये मिरर इमेज आप कभी भी, जैसे हम भी अगर शीशे के सामने, बिल्कुल हमारे शीशे के कभी भी आप खड़े होकर देख लीजिएगा, तो हमारे लिए भी यही होता है कि जो राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है। अगर हम अपने शरीर के नीचे शीशा रख लें, बॉडी को खड़ा कर लें शीशे के ऊपर, तो हमेशा पैर पहले दिखाई देंगे, सर बाद में दिखाई देगा। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही होता है, इसी यही सब कुछ मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करता है। तो अच्छा, अब ये मिरर इमेज होती है हमारी दो टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है सुपर इम्पोजिबल और दूसरी होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब ये सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब है? ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज में, क्योंकि यहाँ पर मिरर इमेज से ही बहुत कुछ आपको आगे, जैसे अब रिएक्शंस भी आएंगी मॉलिक्यूल के बारे में हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, तो सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हमें पता होनी चाहिए कि वो क्या होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है, किस तरह से हम दिखा सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं। अब देखिए, यहां पर ये हमने मॉलिक्यूल लिया। अब इस मॉलिक्यूल के हमने साइड में, यानी कि ये राइट हैंड साइड में हमने मिरर रख दिया। तो जब हम राइट हैंड साइड में मिरर रखेंगे तो जो राइट होगा वो लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। तो यानी CHO तो अपनी जगह पे दिखाई देगा, CH2OH
अपनी जगह पे दिखाई देगा, लेकिन ये वाला एच यहाँ और ये वाला एच यहाँ। अब क्योंकि ये दोनों ही एच हैं, दोनों ही हाइड्रोजन है, तो हम इसको एज इट इज ही बना सकते हैं। तो अब क्या होगा, सुपर इम्पोजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को ऐसे उठाया और इसके ऊपर रख दिया। तो जब हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, एच के नीचे ठीक एच आएगा, सी एच ओ के नीचे ठीक सी एच ओ आएगा, सी एच टू ओ एच के नीचे ठीक सी एच टू ओ एच, और इस एच के नीचे ठीक ये वाला एच। यानी कि एटम के नीचे वही सेम एटम, मॉलिक्यूल के नीचे सेम मॉलिक्यूल, ग्रुप के नीचे सेम ग्रुप, सब कुछ सेम आएगा। मतलब हर एटम एक दूसरे एटम को अच्छी तरह से ढक लेगा, या एक ग्रुप पूरे दूसरे ग्रुप को बहुत अच्छी तरह से ढक लेगा, क्योंकि वो दोनों सेम होंगे। ये सी एच, आप खुद ही ये इमेजिन है, थोड़ा बेटा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि ये उठाया आपने और इसके ऊपर रख दिया, बिल्कुल एज इट इज़, ऐसा का ऐसा ही उठाया और ऐसा का ऐसा इसके ऊपर रख दिया। तो ये आप देखेंगे कि हर ग्रुप के नीचे सेम ग्रुप आ रहा है, जो ये ग्रुप्स थे इनके नीचे यही सेम ग्रुप्स आ रहे हैं। तो जब सेम एटम के नीचे सेम एटम, सेम ग्रुप के नीचे सेम ग्रुप आता है, तो हमेशा मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इम्पोजिबल होती है। तो ये हो जाएगी हमारी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अच्छा, अब नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल में ये हो गया सी एच, ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया, फिर इससे साइड में मिरर रखा, तो ये तो सी एच ओ तो हमें एज इट इज ही दिखाई देगा, टॉप पर ही बनेगा, सी एच टू ओ एच बॉटम पर ही बनेगा, लेकिन ये ओ एच राइट हैंड साइड है, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये हमें राइट हैंड साइड दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज को ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे उठाया और ठीक इसके ऊपर रख दिया। तो जब आप इस मॉलिक्यूल को ठीक इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए सी एच ओ के नीचे तो ठीक सी एच ओ आ जाएगा, सी एच टू ओ एच के नीचे ठीक सी एच टू ओ एच आएगा, लेकिन OH के ठीक नीचे H आएगा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में OH राइट हैंड साइड पर है, इस मॉलिक्यूल में H राइट हैंड साइड पर है, तो OH के नीचे ठीक H आएगा और H के नीचे ठीक OH आएगा, क्योंकि यहां पर H लेफ्ट हैंड साइड पर है और यहां पर OH लेफ्ट हैंड साइड पर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर जाएगी, टॉप टॉप पर जाएगा, बॉटम बॉटम पर जाएगा। तो टॉप पर सी एच ओ है, यहां पर भी टॉप पर सी, तो दोनों तो एक दूसरे को, ये दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं। सी एच टू ओ एच यहां बॉटम पर है, यहां पर भी सी एच टू ओ एच बॉटम है, तो CH2OH इस CH2OH को ढकेगा, लेकिन यहां राइट हैंड साइड पर OH है जबकि यहां राइट हैंड साइड पर H है, तो यहां पर OH के ठीक नीचे H आएगा और H के नीचे ठीक OH आएगा। तो इसका मतलब ये सुपर इंपोजिबल नहीं हुई, क्योंकि सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज में जितने भी एटम या ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं या जितने भी प्रेजेंट हैं यहां पर, वो सबके सब उसके नीचे ठीक सेम एटम है। जैसे कि यहां पर हो रहा था, यहां पर एच राइट भी था लेफ्ट भी था, यहां पर भी एच राइट भी है और लेफ्ट भी है, तो इसलिए और सी एच ओ और ये सब एक दूसरे को ढक ले रहे थे अच्छी तरह से, सेम एटम या ग्रुप के नीचे सेम एटम या ग्रुप आ रहा था। यहां पर दो ग्रुप्स तो सेम हो रहे हैं, लेकिन ये वाले दोनों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो जब ये दोनों डिफरेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल कहलाती है। तो बस आपको यही चेक करना है कि कभी भी कोई मॉलिक्यूल बना आपने मिरर इमेज, जहां पर भी मिरर लगाना, चाहे आप नीचे लगाएं चाहे ऊपर लगाएं, बस मॉलिक्यूल की सुपर इम्पोजिबिलिटी हमें चेक कैसे करनी थी, जैसा ये मॉलिक्यूल है बस इसको ऐसे उठाओ और इसके ऊपर रख दो। और ये उठाना अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसके टॉप पर क्या है और इसके टॉप पर क्या है, दोनों सेम है। इसके बॉटम पर क्या है, इसके बॉटम पर क्या है, दोनों सेम है। इसके राइट हैंड साइड पर क्या है और इसके राइट हैंड साइड पर क्या है, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और यहाँ पर टॉप टॉप जैसा है, बॉटम बॉटम जैसा है, राइट राइट जैसा है, लेफ्ट लेफ्ट जैसा है, इसलिए क्योंकि चारों सेम है बिल्कुल, तो इसलिए ये सुपर इम्पोजिबल है और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी और कौन सी नॉन सुपर इम्पोजिबल। अच्छा, अब क्या होगा, इसी मिरर इमेज को ये चेक करने के लिए कि वो सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो हम दो मेथड्स यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हर बार मॉलिक्यूल को उठा के इस तरह से रखना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि ये तो बहुत छोटा मॉलिक्यूल था, तो हमने बना के रख लिया, और ये वैसे भी हमारा जो है ये फिशर प्रोजेक्शन में बनाना ईजी है, हम बना के रख भी सकते हैं। कई बार मॉलिक्यूल जो बना होगा वो फ्लाइंग वेज में बना हुआ होगा, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर बार आप उठा उठा के रखेंगे और चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए दो मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं, पहला मेथड है मॉडल मेथड और दूसरा मेथड है सिमेट्री मेथड। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ मॉडल मेथड डिस्कस करेंगे, सिमेट्री मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये मॉडल मेथड क्या होता है, तो देखिए मॉडल मेथड में क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले
मॉलिक्यूल जो भी हमारा दिया हुआ है उसका एक मॉडल बनाना होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉपी पे ही सिखाऊंगी, क्योंकि हमारे पास तो हमेशा कॉपी ही रहने वाली है, तो हमें तो पेपर पे ही सब कुछ करके देखना है। तो आप, मैं इसमें भी बताऊंगी और फिर हम इसका मॉडल भी बना के देखेंगे कि मॉडल को कैसे बनाते हैं। तो अब हमने क्या करा, ये हमारा एक मॉलिक्यूल था, तो हम इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, मॉलिक्यूल का मॉडल कंस्ट्रक्ट कर लिया, यानी मॉडल को बना लिया। फिर मॉडल की मिरर इमेज बना ली, फिर इस मिरर इमेज का भी एक मॉडल बना लिया, और उन दोनों मॉडल को सिर्फ हमें एक दूसरे के ऊपर रख के देखना है कि क्या वो सुपर इम्पोजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर की बात करते हैं कि हम पेपर पे क्या करेंगे। तो पेपर पे अगर ये मॉलिक्यूल बना के दे रखा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम होता है इसकी एक मिरर इमेज बना लेना। तो मिरर इमेज, सबसे पहले तो मिरर इमेज बनानी आनी चाहिए। तो मिरर इमेज के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि साइड में रखा हुआ है मिरर, तो आपका टॉप टॉप रहेगा, बॉटम बॉटम रहेगा, लेकिन जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। तो हमने इसकी मिरर इमेज को बना लिया। सीएल यहां पे राइट था तो हमने लेफ्ट बनाया, एच यहां पर लेफ्ट था तो हमने राइट बना दिया। ये दोनों तो सीएस3 है तो हमारे वो सीएस3 रह गए। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करा, अब यहां पर आपने सुपर इंपोजिबिलिटी चेक करी। फिर से वही है कि ये उठाया और इसके ऊपर रखा। अब देखिए, जब हम इसको इसके ऊपर उठाकर रखेंगे तो देखने से हमें ऐसा लग रहा है क्या होगा, CH3 के नीचे ठीक CH3 आएगा, इस CH3 के नीचे ठीक CH3 आएगा, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड पर Cl है और यहाँ राइट हैंड साइड पर H है, तो Cl के नीचे H आएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर H है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर Cl है, तो H के नीचे Cl आएगा। इसका मतलब क्या होगा, देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो लेकिन ये एक्चुअल में सुपर इम्पोजिबल है। कैसे हमें मालूम पड़ा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम वही कि मिरर इमेज बना के देखी और सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक तो कर ली, लेकिन हमेशा आपने क्या करना है, जब भी कभी स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ आए, एक तो आपने मिरर इमेज बनानी है, मिरर इमेज बनाने के बाद आपने इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करना है पेपर के प्लेन में। 180 डिग्री रोटेट कैसे करेंगे, 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब, ये सब मैंने रोटेशन आपको सिखाई थी जब हमने फिशर प्रोजेक्शन सीखा था, 180 डिग्री, ये दोनों भाई 180 डिग्री पर ही तो हैं, तो ये CH3 ऊपर पहुंच जाएगा और ये CH3 नीचे आ जाएगा, ये H इधर पहुंच जाएगा और ये Cl इधर पहुंच जाएगा, यानी क्योंकि ये जो हमारा एंगल है ये पूरा 180 डिग्री का है, ये और ये 180 डिग्री पर है और एच और सीएल एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। तो जब हम घुमा देंगे इस मॉलिक्यूल को, इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे करके हम ले जा रहे हैं, तो सीएल तो हमारा यहाँ हो जाएगा और एच हमारा यहाँ हो जाएगा। तो कभी भी आपके पास इस तरह से अगर चार बॉन्ड बने हैं और अगर आपको 180 डिग्री रोटेट कराना है उसको, तो आपने क्या करना है, टॉप को बॉटम में बनाइए, बॉटम को टॉप पर बनाइए, लेफ्ट को राइट में बनाइए और राइट को लेफ्ट में बनाइए। तो हमने यही किया 180 डिग्री पर, क्योंकि दोनों ही CH3 थे तो हमारे तो CH3 ही रहेंगे यहां पर, लेकिन जो राइट था वो लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट था वो राइट बन जाएगा, तो ये हो गया सीएल और यहां हो गया एच। ये ऐसे घूमेगा ना पूरा का पूरा, इस तरह से हम इसको घुमा सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं भी समझ में आ रहा तो आप एक एक्स्ट्रा पेपर पे बनाइए इसको, देखिए मैं आपको यहीं बना के दिखा दे रही हूं, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये है H और ये है Cl। अब हमने ये बनाया, हमें इसे 180 डिग्री रोटेट करना है पेपर के प्लेन में, उठाना नहीं है मॉलिक्यूल को, यानी पेपर के प्लेन में रोटेट करने का मतलब ये इस तरह से घूम जाएगा। तो जब ये इस तरह से घूमा तो आप देख रहे हैं ये CH3 है, नीचे CH3, Cl अब इधर की साइड आ गया, तो इसीलिए हमने Cl को यहां बना दिया और H को यहां बना दिया। तो इस तरह से आप छोटे से पेपर पे बना के उसको रोटेट करके भी देख सकते हैं कि टू डायमेंशन में हम इसको कैसे रोटेशन देखेंगे। और अब जो ये रोटेटेड मॉलिक्यूल है इसको हम इसके ऊपर रख कर देखेंगे। तो हमने इसको उठाया और इसके ऊपर रखा, तो क्या हुआ, रखना अगर नहीं भी आ रहा मैंने आपको बताया, तो आपने सिर्फ इतना चेक करना है कि इसके टॉप पर क्या है और इसके टॉप पर क्या है। तो इसका टॉप और इसका टॉप दोनों सेम ग्रुप्स हैं, इसका बॉटम और इसका बॉटम दोनों सेम ग्रुप्स हैं, इसका राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड दोनों सेम है, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। इसका मतलब ये एक सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो कभी भी जब भी ऐसे 2D में आपको, पेपर तो 2D है, तो पेपर में जब भी कभी इस तरह से मॉलिक्यूल बना के आए, आपने मिरर इमेज तो बनानी बनानी है, साथ ही साथ आपको दूसरा काम तुरंत ये कर देना है कि इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट कराकर देखना है। और 180 डिग्री पर रोटेट कराने पर जो इसका ये रोटेशन वाली जो हमारा स्ट्रक्चर आया, इसको भी इसके ऊपर रख कर देखना है, यानी हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों सुपर इम्पोजिबल हैं या नहीं। तो अगर ये भी सुपर इम्पोजिबल है, यहाँ पर तो सुपर इम्पोजिबल नहीं आ रहे थे, लेकिन क्योंकि 180 डिग्री घुमाने पर भी तो मॉलिक्यूल सेम ही रहता है, तो ये
सुपर, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल या इसकी मिरर इमेज, ये दोनों सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये कोई इससे अलग नहीं है, ये इसका बिल्कुल दोनों आइडेंटिकल माने दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो दोनों के दोनों एक जैसे हम यहाँ पर इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये हो गया सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के बारे में। अच्छा, अब अगर हम ये मैं ये कहूँ कि ये CH3 था, यहाँ पर हमने नीचे CH3 था, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर C2H5 रखा हुआ होता, अगर ये सपोज ये CH3 होता, यहाँ C2H5 और ये Cl और ये H, तो जब हम इसको घुमाते तो क्या होता, अब C2H5 ऊपर पहुँच जाता और CH3 नीचे आ जाता। तो ये हो जाता C2H5 और ये हाँ हो जाता CH3 और ये हो जाता, क्योंकि अब ये इसका जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा H। तो अब ये अगर हम इसके इसके ऊपर रख के देखें तो अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगी। जैसे हम नेक्स्ट में, अभी मैं आपको समझा भी रही हूँ कि कैसे आएगी नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो हमने क्या करा, वही ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल था, सबसे पहले हमने इसकी मिरर इमेज बना ली। तो जब हमने इसकी मिरर इमेज बनाई तो टॉप टॉप रहेगा, बॉटम बॉटम रहेगा, क्योंकि हमने साइड में मिरर रखा है, और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। ठीक, एक तो हमने यही चेक कर लिया कि इसको इसके ऊपर रख के देखा तो CH3 के तो CH3 आ रहा है और OH के नीचे भी OH आ रहा है, लेकिन Cl के नीचे H आ रहा है और H के नीचे Cl आ रहा है। तो यहां पर तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल ही आ रही है। अब एक बार इसको 180 डिग्री पर भी रोटेट करके देख लेना है। तो 180 डिग्री पर हमने रोटेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये OH ऊपर पहुंच जाएगा, टॉप है वो बॉटम बनेगा, बॉटम टॉप बनेगा, राइट लेफ्ट बनेगा और लेफ्ट राइट बनेगा। तो हमने क्या करा, OH को ऊपर लिख दिया, CH3 को नीचे लिखा, Cl यहां पहुंचा और H यहां पहुंचा। तो अब हम इन दोनों की सुपर इंपोजिबिलिटी चेक करेंगे कि इसको उठाया और इसको इसके ऊपर रखा, तो इसके टॉप OH है और इसका टॉप CH3 है, तो दोनों ही अलग आ रहे हैं। जब एक ही मॉलिक अलग आ रहा है तो इसका मतलब नॉन सुपर इंपोजिबल होगी ही। ठीक है, और ये CH3 है और यहाँ पर ये OH है, तो ये भी हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये मॉलिक्यूल और ये इमेज तो नॉन सुपर इम्पोजिबल आ ही रही थी, हमने 180 डिग्री भी घुमा के देख लिया, ये भी हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल ही आ रही है। तो इसका मतलब अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल ये मिरर इमेज बन के आई। तो इससे हमें एक चीज़ यहाँ मालूम पड़ी, और ये आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा इसमें, कि अगर मॉलिक्यूल में कोई एक कायरल सेंटर है, सिर्फ एक कायरल सेंटर की बात कर रही हूं मैं, ये कायरल सेंटर था, कायरल सेंटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो कायरल सेंटर जो सेंटर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा वो कार्बन, और उससे चार डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो वो एक कायरल सेंटर होता है, इसीलिए मैंने इसमें एस्टरिक बनाया हुआ है। तो जब भी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है उसकी मिरर इमेज हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, ये बात आप इसको याद रख लीजिएगा। इफ अ मॉलिक्यूल हैज ओनली वन कायरल सेंटर, मिरर इमेज विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर ये कोई कायरल सेंटर नहीं था, क्यों, क्योंकि इससे ये sp3 हाइब्रिडाइज तो था लेकिन इससे चार डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं थे, यहां पर ये दोनों के दोनों यहाँ सेम हो गए थे। ठीक है, तो बस आपने मॉडल मेथड में क्या करना है, अगर आपके पास पेपर है तो पेपर ही रहेगा ऑब्वियसली आपके पास हमेशा, तो आपने उसकी मिरर इमेज बनानी है। पहले तो आप इसको उठा के इसके ऊपर ही रख के चेक कर लीजिए, फिर आप इसको 180 डिग्री रोटेट जरूर कराइए, क्योंकि देखिए यहां पर भी जब हम रख रहे थे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल लग रहा था, लेकिन जब हमने 180 डिग्री रोटेट करा के देखा तो ये दोनों जो है वो सुपर इम्पोजिबल निकल के आए, तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। तो हमेशा आपको मॉडल मेथड में यही काम करना होगा कि ये रखा, फिर इसे रोटेट कराया, फिर ये चेक किया। जैसे अब हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर हम चेक कर ले रहे हैं। अच्छा हाँ, अभी मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें मॉडल भी आपको बना के दिखाऊंगी। तो देखिए मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले इसकी बात कर रही हूँ मैं, एसिमेट्रिक सेंटर, या हम इसी की बात कर लेते हैं चलिए, कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है। जैसे हमने ये हमने फिशर प्रोजेक्शन बनाया, फिशर प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया था कि लिखते तो हम इसको प्लस की तरह है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो होता है ये इस तरह से मैं दिखा ले रही हूँ कि ये इस तरह, ये जो यहाँ पर जो मैंने ये बनाया है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्चुअल में अबव द प्लेन होती हैं, ये ऊपर की साइड आ रही हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम बिलो द प्लेन दिखाते हैं, ये CH3 है और ये CH3 है। तो इसको अगर मैं इसका मॉडल बनाऊं तो वो मॉडल कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। देखिए
ये जो CS3 नीचे की साइड हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों CS3 दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों रेड बॉल से मैंने शो किया है। तो अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो दोनों आपको दूर दिखाई दे रहे होंगे अपने आप से, ठीक है। और ये H और ये CL, तो ये H और ये CL ये आपको अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी मिरर इमेज देखनी है। तो देखिए, जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो मिरर में कैसे, यहाँ पर मैं सपोज मिरर लगा दूँ तो मिरर में आपको क्या दिखाई देने वाला है, ये रेड और ये रेड तो अपनी जगह पे नीचे की साइड ही दिखाई देंगे। अच्छा, और आपको मिरर में क्या होगा, ये जो ग्रीन है वो आपको इधर दिखेगा और ये जो ब्लू है वो आपको इधर दिखेगा। देखिए कैसे दिखता है, ये मैं आपको बता रही हूँ अभी। ये देखिए, ये कुछ सॉरी इसको ऐसे, ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपको शायद पूरा ना भी दिखाई दे रहा हो, ये मैं आपको इस तरह से घुमा के दिखा देती हूँ। चलिए देखिए, अब देखिए, अब सपोज मैंने ये हमारा मॉलिक्यूल था, ठीक है। ये दोनों CH3 समझ लीजिए, एक को CL और एक को H समझ लीजिए, ठीक। अब मिरर मैं यहाँ पर रख रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पर मिरर रखा तो हमें ये मॉलिक्यूल ऐसे तो दिखाई देगा भाई, ग्रीन उधर की साइड दिखाई देगी और ब्लू जो है इधर दिखेगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे, मेरे दो हाथ हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये, इस जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था उसमें जो ये जो था हमारा ब्लू कलर की बॉल, तो ये इधर दिख रहा था, ठीक है। मतलब अगर मैं अपना हाथ से इसको देख रही हूँ तो ये मुझे यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको ऊपर की साइड से देख रहे हैं तो ये आपको समझ लीजिए टॉप दिख रहा है, और जबकि इस मॉलिक्यूल में देखें तो ये बॉटम दिख रहा है, ठीक है। और ये इधर की साइड आता हुआ दिख रहा है, तो ये इधर की साइड आता हुआ दिख रहा है, तो ये इसकी मिरर इमेज है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसको, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखना है। ऊपर कैसे रखना है, जैसा ये था मैंने इसको ऐसा का ऐसा उठाया और ऐसा का ऐसा इसके ऊपर रख दिया। तो देखिए, ऐसा का ऐसा रखने से क्या हो रहा है, मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि रेड के नीचे तो रेड आ रहा है, इस रेड के नीचे भी रेड आ रहा है, लेकिन इस ब्लू के नीचे ग्रीन आ रहा है और इस ग्रीन के नीचे ब्लू आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर इसको चेक भी कर रहे थे कि ये हमारा जैसा था, ये हम अगर एज इट इज ही इसको ऐसा रख रहे थे तो ये हमें नॉन सुपर इम्पोजिबल दिख रहा था, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हमने फिर इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहे, तो 180 डिग्री रोटेट करने पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रोटेट करूँ ये इस तरह से, ये 180 डिग्री यहाँ पर रोटेशन हो गया इसका। और 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जब मैं इसको इसके ऊपर रख रही हूँ, देख रहे हैं आप, पूरा मॉलिक्यूल जो है वो सुपर इम्पोजिबल ही हो रहा है। इस रेड ग्रीन के नीचे ग्रीन आ रहा है, रेड के नीचे रेड आ रहा है, इस रेड के नीचे रेड आ रहा है और इस ब्लू के नीचे ब्लू आ रहा है। तो ये हो जाएगी सुपर इम्पोजिबिलिटी की, हर बॉल के नीचे सेम बॉल के नीचे सेम बॉल आ रही है, यानी सेम एटम के नीचे सेम एटम आ रहा है। तो इस तरह से हम मॉडल मेथड की हेल्प से देख सकते हैं। पर हर बार ये मॉडल मेथड बनाना क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, ना तो पेपर पे इतना पॉसिबल हो पाएगा, ना हम वैसे बना पाएंगे। तो मॉडल मेथड के कंपैरिजन में सिमेट्री मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पर हम क्योंकि आज मॉडल मेथड ही पढ़ रहे हैं तो हम इसी को और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हमने एक कार्बन एटम के बारे में बात कर ली। अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन है या एक कायरल कार्बन है तो हमेशा जो उसकी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज होगी वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। अच्छा, लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो भाई सुपर इम्पोजिबल भी हो सकती है मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हो सकती है। देखें कैसे, अब अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, यहां पर हमारे पास दो कायरल सेंटर है क्योंकि दोनों ही डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पर देख रहे हैं इस कार्बन से एक CH3 है, एक OH है, एक H है और ये पूरा का पूरा ग्रुप है। तो ये एक कायरल सेंटर हुआ, ये दूसरा कायरल सेंटर एक H है, एक OH है, एक CH3 और ये, तो चारों ही ग्रुप जो हैं दोनों ही कार्बन एटम से डिफरेंट डिफरेंट जुड़े हुए हैं। अब हमने इसकी मिरर इमेज देखी, मिरर इमेज क्योंकि साइड में रखा हुआ है तो टॉप टॉप दिखेगा, बॉटम बॉटम दिखेगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड पर चीजें हैं वो लेफ्ट हैंड दिखाई देंगी, जो लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रुप है वो राइट हैंड साइड दिखाई देंगे। तो हमने इसकी मिरर इमेज बना ली। फिर हमें क्या करना है, हमारा खाली मिरर इमेज बनाने से काम नहीं चलेगा, फिर हमें इसे 180 डिग्री रोटेट भी कराना है। तो पहले तो हमने इसी को इसके ऊपर रख के देखा, जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो टॉप से मैच कर रहा है, बॉटम बॉटम से मैच कर रहा है, लेकिन इसके राइट में दो OH है और इसके राइट में दो H है, तो देखने में लग रहा है कि ये तो भाई नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। लेकिन अभी हमें क्योंकि 180 डिग्री रोटेशन भी कराना है, ये रोटेशन बहुत जरूरी है,
रोटेशन कराने के बाद ही आप फाइनल चेक करेंगे कि वो सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो अब हमने इसको रोटेट कराया 180 डिग्री, और मैंने आपको बताया था फिशर प्रोजेक्शन में जब दो कायरल कार्बन होंगे तो आप रोटेशन कैसे कराएंगे, ये टॉप बॉटम बनेगा, बॉटम टॉप बनेगा, ये ग्रुप जो है यहाँ चला जाता है और ये ग्रुप जो है यहाँ चला जाता है, यानी ये ऐसे डायगनली एक्सचेंज हो जाते हैं इस तरीके से, ये OH यहाँ जाएगा और ये H यहाँ आएगा। तो हमने यही किया, इस OH को यहाँ भेज दिया तो ये OH यहाँ चला गया और ये H यहाँ आ गया। ऐसे ही इन दोनों H OH का भी डायगनल एक्सचेंज होगा, ये H ऊपर चला जाएगा OH नीचे आ जाएगा, तो OH नीचे आ गया और H ऊपर चला गया। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो फिर से हम पेपर पे बना के देख लेते हैं। ये रहा हमारा CH3, फिर यहाँ हमने लिखा H, ये OH, फिर लिखा H और ये OH, और यहाँ लिखा CH3। और हमें क्या करना है, पेपर के प्लेन में ही इसको रोटेट कराना है, तो हमने इसे रोटेट करा लिया। रोटेट कराया तो CH3 ऊपर है, ये दोनों OH इधर है लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये दोनों H जो है राइट हैंड साइड पर, वही तो हमारा स्ट्रक्चर आ रहा था। तो 180 डिग्री का मतलब यही हुआ कि पेपर ऐसे था, आपने इसको घुमा के देख लिया 180 डिग्री पर पूरा का पूरा। तो जब दो कायरल कार्बन होते हैं तो हमेशा आपने बस इतना ध्यान रखना है, टॉप को बॉटम बनाना है, बॉटम को टॉप बनाना है, ये वाले ग्रुप को इधर ले जाना है, इस वाले ग्रुप को यहाँ ले आना है, इस ग्रुप को यहाँ ले जाना है, इस ग्रुप को यहाँ ले जाना है, बस इतना सा करना है। अब हमें इन दोनों का सुपर इम्पोजिबिलिटी को चेक करना है। तो फिर से हम इसको ऐसे उठाया और ऐसे इसके ऊपर रखा, तो रखेंगे तो टॉप से मैच कर रहा है, बॉटम बॉटम से मैच कर रहा है, राइट हैंड साइड पर दो एच है, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पर दोनों एच है, और ऊपर और नीचे, और ये भी ऊपर नीचे, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पर दो ओ एच है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, इसलिए ये एक सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हो गई। अच्छा, अब अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल में चेक करें, दूसरे मॉलिक्यूल में फिर से वही दो कायरल कार्बन हमने ले लिए, साइड में हमने मिरर लगा दिया, टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम रहेगा। अब क्या होगा, ये जो सीएल हमारा राइट पर है वो हमें लेफ्ट पर दिखाई देगा, और जो लेफ्ट पर है वो राइट दिखाई देगा, ऐसे ये जो राइट था ये लेफ्ट दिखेगा और ये जो लेफ्ट था वो राइट दिखेगा। ठीक, अब हमने इसको यहीं से उठाया और इसके ऊपर रखा, तो टॉप और बॉटम तो मैच करेंगे ही करेंगे, दोनों ही सेम है। इस Cl के नीचे तो H आ जाएगा, इस H के नीचे Cl आ जाएगा, इस H के नीचे ये Cl आएगा, इस Cl के नीचे ये H आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो नॉन सुपर इम्पोजिबल ही लग रहा है, लेकिन अभी हमें 180 डिग्री इसको रोटेट जरूर कराना है। 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो फिर से वही का टॉप बॉटम बनेगा, बॉटम टॉप बनेगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो हमने CH3 लिखा, ये वाला H यहाँ जाएगा और ये H यहाँ जाएगा। अब जाहिर सी बात है क्योंकि दोनों ही H है तो सेम ही रहेगा, और ये Cl यहाँ जाएगा, ये Cl यहाँ आएगा, लेकिन क्योंकि दोनों ही Cl है तो एज इट इज ही तो रहेगा हमारा मॉलिक्यूल। 180 डिग्री घुमाने पर भी हमें यही जो है मॉलिक्यूल दिखाई देगा, और फिर से हमें चेक कर लेना है, तो क्योंकि हम तो यहाँ चेक ही कर चुके हैं, तो इसलिए ये एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई। ये इसको इसके ऊपर रख के देखना है, Cl के नीचे H आ रहा है, H के नीचे Cl आ रहा है, तो इस तरह से ये नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। तो ये था मॉडल मेथड, और मॉडल मेथड में बस आपने क्या करना है, क्योंकि हर बार तो आप मॉडल बना के देखेंगे नहीं, तो पेपर में ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो पेपर पे ही आपने ये मॉडल टाइप से बना लिया, इसका इसकी मिरर इमेज बनाई, लेकिन इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट जरूर कराना है। रोटेशन कराने से, और फिर एक बार तो इसी को चेक कर लो इसकी सुपर इम्पोजिबिलिटी, और एक बार इसके साथ भी चेक करो। तो अगर इसके साथ चेक करने पर ये इसको इसके ऊपर, मतलब ये सुपर इम्पोजिबल हो रही है, भले ये दोनों नहीं हो रही है, लेकिन अगर ये सुपर इम्पोजिबल हो रही है, कहीं ना कहीं कोई एक इमेज सुपर इम्पोजिबल हो रही है, तो वो हमेशा वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहलाएगी। और नॉन सुपर इम्पोजिबल में 180 डिग्री भी घुमा लेंगे तब भी वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल मैथड। लेकिन वही बात है कि मॉडल मैथड क्योंकि हम हमेशा अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम इसके लिए सबसे अच्छा मैथड होता है सिमेट्री मेथड, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।